कनेक्ट का नहीं हो रहा है, कनेक्ट कौन सा ब्लूटूथ से क्या किसको बस नहीं बंद कीजिए इसको, यही वन प्लस है नया लीजिए हमारा नहीं है मनीश्वर का फोन पर कहाँ से यही भेजा हो गया लगा बोल दियो उनको फोन से लाइट क्यों चालू कर देते Good afternoon, all of you. Good afternoon, sir. Start किया जाए आज का? जी सर. चलिए सबसे पहले कौन प्रेजेंट करना चाहेगा आज? खुद से बताइए भाई कौन करेगा आज? कोई नहीं? हमें करें क्या? स्टार्ट करें. आवाज जा रही है सभी को? मनोरमा, नीतू, सरिता, प्रिया जी सर. फिर क्यों शांत हो गए सभी लोग? एक शांत, सभी लोग शांत कैसे हो गए? चलिए आइए. कौन कौन तैयार है इस समय? एकदम तैयार कौन है क्लास के लिए कि हाँ चलिए हम ही स्टार्ट करेंगे? नाम लेके बोले तभी. सर मैं तैयार हूँ सर. मनोरमा. यस सर. चलिए आ जाइए. बहुत अच्छा. सेट कर लीजिए कैमरे का थोड़ा सा एक मिनट सर, रूम में नेटवर्क चल जाता है सर. कोई बात नहीं, जहाँ पे हो रहा है वहीं पे सही है. ओके. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. गुड आफ्टरनून सर. एक मिनट रुकिएगा बेटा थोड़ा सा. एक लोग फीडबैक लिखने के लिए तैयार रहेंगे और टाइमिंग देखते रहेंगे. नाम सर रितिका पांडे, आप टाइमिंग देख करके बताएंगे, और सरिता कुमारी आप फीडबैक लिखिएगा. दोनों लोगों को आवाज जा रही है? रितिका और सरिता. ओके सर. रितिका आप भी. गुड आफ्टरनून रितिका, आप भी तैयार हैं? रितिका पांडे. गुड मॉर्निंग सर. यस सर. गुड मॉर्निंग. टाइमिंग देखिएगा कितने मिनट कितने सेकंड हुए हैं, इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है? ओके सर. और सरिता आप फीडबैक लिखिएगा किसी भी चीज पे. स्टार्ट टाइमिंग. गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप सर? ठीक है मैम.
ओके नीतू जी मैम बोलिए। आपने जवाब नहीं दिया, आप हमसे नाराज हैं क्या? नहीं मैम, मैंने तो आपको बोला ठीक है। सॉरी यहाँ दिख नहीं रहा है ना, धूप स्क्रीन में पड़ रहा है इसलिए, स्क्रीन में धूप पड़ रहा है इसलिए मैं देख नहीं पा रही हूँ नाम को। ओके तो आज आप लोग पढ़ने के लिए तैयार है? सभी अपनी बुक्स को निकाल लेंगे ठीक है, और अपना लेसन निकालेंगे। तब तक मैं बोर्ड वर्क कर लेती हूँ। ठीक है तो शुरू करें। आप लोग पिछले कक्षा में प्लांट के बारे में पढ़ा था, यस और नो? नो मैम। उसके कई भागों को देखे थे हम लोग ठीक है। तो आज हम लोग बहुत ही खास टॉपिक पर चर्चा करेंगे। अच्छा आप लोग कोई बता सकते हैं कि ये क्या है, ये जिस पर हम अंगुली रखते हैं? प्लांट का कौन सा भाग है ये बताइए भाई? क्या है? जड़। जड़, गुड। आज हम लोग इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो जड़ पौधे का भूमिगत भाग होता है जो जमीन के नीचे वृद्धि करता है ठीक है, वृद्धि करता है। इसको परिभाषित कर सकते हैं, पौधे का वह भाग जो जमीन के स्थित होकर वृद्धि करता है और प्रकाश के विपरीत वृद्धि करता है ठीक है। क्या होता है? ये अवशोषण करता है। जो भी हम लोग पानी खाद कुछ भी डालते हैं वो जड़ के ही द्वारा वो पौधे के विभिन्न भागों में जड़ ही पहुंचाता है। जड़ ही अवशोषित उसे करता है ठीक है। आ रहा है जड़, समझ में आ रहा है? तो जड़ हम लोग पहला मूसला जड़, मूसला जड़, और दूसरा होता है रेशेदार जड़। मूसला जड़ को हम लोग टैप रूट भी इंग्लिश में बोलते हैं, टैप रूट ठीक है। और रेशेदार जड़ को फाइबर, ठीक है। आवाज ना बहुत नहीं आ रही है, बीच बीच में मतलब कट के आ रहा है, कट कट के आ रहा है। बता सकते हैं कि ये किस टाइप का जड़ है? दिखाई दे रहा है ये किस टाइप का जड़ है? आप लोगों को कोई आइडिया है? नहीं, ये
मूसला जड़ है, इसमें एक मुख्य जड़ होती है और बहुत छोटे छोटे ब्रांचेस होते हैं, छोटी छोटी शाखाएं, ठीक है, इसे हम लोग मूसला जड़ कहते हैं। इस जड़ में मुख्य जड़ होती है और उसमें छोटे छोटे शाखाएं होते हैं, उसे मूसला जड़ कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग मूली खाए हैं, आप लोग मूली खाए हैं जी मैम, हाँ, तो मूली, गाजर, ये सब मूसला जड़ में आते हैं। उन लोग का ब्रांचेस को आप देखिएगा, उनका रूट को देखिएगा, मुख्य जड़ होती है, सारी शाखाएं होती है। अब हम लोग देखते हैं फाइबर्स रूट। फाइबर्स रूट क्या होती है? फाइबर्स रूट मतलब रेशेदार जड़, जिसमें बहुत छोटी छोटी रेशेदार जड़ें होती है, इसमें कोई मुख्य जड़ नहीं। अब दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो इस तरह के जड़ को हम लोग रेशेदार जड़ बोलते हैं। और ये जमीन में मिट्टी को जकड़े रखती है ताकि छोटे छोटे प्लांट इसमें उड़ उड़ ना जाए। तो समझ में आया मूसला जड़ और रेशेदार जड़ क्या होती है? रेशेदार जड़ घास को एग्जांपल के तौर पर, समझ में आया? समझ में आया? ओके डन सर, थैंक यू। चलिए ठीक है, ओके मनोरमा। मैं पहले, सबसे पहले रितिका के पास जाऊंगा। रितिका, टाइमिंग कितना लगा? टाइम सर 6 मिनट। टोटल 6 मिनट? यस। कोई सेकंड आगे पीछे? नो सर। 6 मिनट सर, ये सरिता। यस सर, आज पहले से अच्छा था, लेकिन बीच में क्वेश्चन पूछना थोड़ा सा नहीं पाया था। अच्छा चलो, उसको बात छोड़ो। कंपोनेंट्स हैं आपके पास? तो स्टिमुलस वेरिएशन का कंपोनेंट्स निकालिए आप लोग, अपने पास कंपोनेंट्स रखिए। लिखी नहीं है आप लोग? नहीं नहीं, अभी बताइए। इन्होंने शिक्षण करते समय समुचित शरीर संचालन किया, जो शरीर का हाव भाव था और शरीर जो था उसको संचालित किया, तो लगभग उन्होंने किया था। शिक्षक ने शिक्षण करते समय समुचित हाव भाव प्रयोग किए, जैसा एक्सप्रेशन चाहिए था चेहरे का, क्या वो था? आपको लग रहा था? जी लग रहा था। अच्छा चलिए ठीक है। स्वर में उतार चढ़ाव लाया गया आवश्यकता जहां थी? इसमें थोड़ा सा अभाव था ना। भाव केंद्रीकरण की प्रक्रिया थी, इन्होंने कहीं जा करके सेंट्रलाइज करने का काम किया था कि कोई टॉपिक हो, कोई चीज हो, उस पे सेंट्रलाइज कर दिया हो सबको? नहीं नहीं, ये कम रहा, इसको ध्यान देने की बात है। और उसके बाद छात्र शिक्षक प्रक्रिया में किसी चीज को, जैसे भाव जो हमारा चेहरा एक्सप्रेशन है चाहे बच्चे का है, वहां ले जाकर के मतलब हम ऐसा उसको एक साथ कंडीशन पैदा कर दे कि वो एकदम सेंट्रलाइज होगा, नहीं यार यही पढ़ना है या यही काम हो रहा है। जैसे आपने जड़ को दिखाया था, आप जैसे रिश्तेदार जड़ को या किसी को पूछ रही थी, बीच में कोई आंसर नहीं दे पाया था, आप वहीं पर रोक देती थोड़ी देर। देखिए आप क्या है, मतलब सबका ध्यान क्या हो, सेंट्रलाइज तो वो कोशिश हुई थी आपके द्वारा सर, सोचे थे, लेकिन ना मेरा स्क्रीन में धूप से कुछ नाम दिख नहीं रहा था, इसलिए कोई बात नहीं, ये होता है। मान रहे कि भाई ये ओरिजिनल क्लासरूम होता तो ये कहीं अच्छा होता, इस चीज को हम भी समझ रहे हैं। छात्र शिक्षक अंतःक्रिया में परिवर्तन लाया गया तो कोशिश की गई थी, मौन विराम का प्रयोग किया गया। आपको क्या करना था, जब बच्चा नहीं हो रहा है आप मौन हो जाते, पूछते एक बार, मतलब उनको सोचने के लिए मजबूर करते। बच्चा पूछता कि नहीं मैडम या ये चीज नहीं हो, तो थोड़ा सा वहां पे क्या करना है, हल्का सा आराम कर लेना, जैसे नहीं होता है थोड़ा सा सांस ले लें,
तो ऐसे कंडीशन में हम लोग को यही कहा, आपने क्योंकि पहली बार किया है, सब लोग आपके द्वारा सीखेंगे, तो थोड़ा सा मौन करना था। जब बच्चे नहीं बता पाते तो आप शांत हो जाते, या किसी चीज को बोल रहे हैं, जैसे क्लास में हल्ला नहीं होता है कभी, तो टीचर क्या करता है, वो कुछ नहीं बोलता, शांत हो जाता है, देखता है कि बच्चे का क्या स्टिमुलस है। वो जैसे देखा कि सब कोई शांत, धीरे धीरे अगर एक दो शांत हुए पूरा क्लास शांत हो जाता, होता ना ऐसे, वैसे ही यहाँ हमको करना था। जिस सब क्रम में परिवर्तन किया गया, तो आपने कोशिश किया था, बहुत ही परिवर्तन किया, जो भी जड़ था इस चीज को आपने कोशिश किया। उद्दीपन परिवर्तन में छात्रों का सहयोग लिया गया, तो आपने बहुत बार छात्रों से पूछा था, तो ये कोशिश आपके द्वारा काफी अच्छा था। मतलब कुल मिला के एक दो स्टिमुलस को, एक या दो को छोड़ करके आपने काफी यूज किया था। वो अलग बात है भाई, सबका अलग अलग पढ़ाने का तरीका होता है, लेकिन जितने भी कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स को आपने ध्यान रखा, तो काफी मिलाकर के अच्छा रहा, और पहले से भी अच्छा रहा। जैसा कि सरिता ने पहले ही बोल दिया कि पिछले दिनों से इम्प्रूव है, ठीक है मनोरमा? थोड़ा कम लग रहा था। हाँ ऐसे ही होगा, जितने बार प्रैक्टिस करिएगा, एक बार अभी और तैयार रहिए, देखिए और थोड़ा सा डर कम होगा। अगर कोई और टॉपिक है तो उसको लेकर के तैयार रखिएगा, ठीक है? नहीं सर, टॉपिक इतना ही बनाए थे, एक ही बनाए थे। और तैयार कर लीजिए, अभी तो बहुत समय है। हाँ एक आक और बना लीजिए। सर दूसरा का कैसे सर? सर देखना भी तो है ना। अच्छा ठीक है, ओके ओके सर। चलिए नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट कौन करेगा? सर मैं पढ़ा रही। कौन? प्रिया? कुमारी। प्रिया ने हाथ हिरिच कर रखा है पहले से। ओके सर, प्रिया को पढ़ा। प्रिया नेटवर्क है आपके यहाँ? जी सर नेटवर्क है सर। हाँ प्रिया के यहाँ नेटवर्क इशू रहता है खासकर। हाँ तो आ जाओ पहले, क्योंकि अगर तुम्हारा नेटवर्क चला गया तो सारी परेशानी खड़ी हो जाएगी। स्टार्ट करें सर? रुको स्टार्ट, रितिका टाइम देखेंगे, और उसके बाद जितने कम, और एक लोग मनोरमा, आप कंपोनेंट्स को ध्यान रख करके इनको फीडबैक के लिए तैयार रहिएगा। चलिए ठीक है, चलिए प्रिया स्टार्ट। गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। नेटवर्क इशू है। प्रिया आवाज जा रही है किसी की आपके पास? आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है। अच्छा ठीक है। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है अशांत और निशांत। तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आपने कभी ग्लोब देखा है? ग्लोब आपने yes, किसी भी स्कूल में या फिर घर में भी देखा yes, होगा? ग्लोब, ग्लोब जो होता है वो एक पृथ्वी का कृत्रिम बनावट होता है, एक छोटा सा आकार होता है, ठीक है? जो जो ग्लोब होता है वो हमारी पृथ्वी की कौन से देश, कौन से महाद्वीप की स्थिति, उस किसी भी देश के जो भी क्षेत्र होते हैं, पर्सनल क्षेत्र होते हैं, उसके बारे में सारी जानकारी हमें बताती है। जैसे देखिए ये हमारी एक पृथ्वी है, ठीक
ये पृथ्वी में आपने ग्लोब में एक चीज ध्यान दिया होगा, उस ग्लोब में एक इस तरीके की सीधी जो पूरब से पश्चिम की ओर विस्तारित एक रेखा होगी, उनको देखा होगा। उसी प्रकार से आपने एक उत्तर से दक्षिण विस्तारित एक रेखा पे ध्यान दिया होगा। आखिर ये है क्या और ये हमें ये ग्लोब में क्या शो करता है, आखिर ये रेखा का क्या महत्व है एक ग्लोब में, ठीक है? तो और इसे कहते क्या है, तो इसे हम एक अक्षांश रेखा कहते हैं, जो रेखा पूरब से पश्चिम की ओर विस्तारित। अभी ठीक है सर आवाज? हाँ प्रिया बोलिए, अभी थोड़ा आवाज चला गया था, बोलिए। हाँ, अक्षांश को इंग्लिश में लैटिट्यूड के नाम से जाना जाता है तथा देशांतर को लॉन्गिट्यूड के नाम से हम लोग इंग्लिश में जानते हैं। तो क्या ये ग्लोब में जो रेखा होती है वो रेखा क्या सही में वो इस ग्लोब में जो चिन्हित किया गया है तो वो क्या किसी देश में वो विस्तारित रेखा दृश्यमान होती है, क्या वो विजिबल होती है? आपसे मैं पूछना चाह रही हूँ मनोरमा जी, आप बताएंगी क्या ये दृश्यमान होती है ये रेखा? जी मैम फिर से पूछिए, आपका वीडियो मेरा को दिख नहीं रहा था मैम। ग्लोब में जो रेखा दी होती है जो पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तारित होती है और उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तारित होती है, वो रेखा क्या दृश्यमान होती है ग्लोब में मैम? जी हाँ हाँ ग्लोब में, ग्लोब में मैम। हाँ यस मैम, म्यूट हो गया। यस मैम म्यूट। तो क्या ये जो हमारा झारखंड है उस झारखंड में क्या ये रेखा शो कर रही है, ये जो रेखा हमारी रेखा है, क्योंकि ये जो रेखा होती है वो किसी भी क्षेत्र की एक स्थिति के बारे में बताती है, तो क्या ये शो कर रही है? ये रेखा शो नहीं करती है, ये हमारे भूल वेत्ता ने क्या किया है इस रेखा को एक मैप के थ्रू एक ग्राफ के थ्रू प्रदर्शित किया है, दिखाया है कि ये रेखा होती है, क्यों? किसी भी देश की स्थिति के बारे में बताने के लिए। कुछ कर रहे हैं क्या इस वाले पे? कुछ कर रहे हैं क्या? सामने आ जाए, चलिए कोई बात नहीं, बता क्या करेंगे। चलो कोई बात नहीं है, काफी अच्छा प्रयास कर रही हो, लेकिन आपके यहाँ नेटवर्क समस्या इशू है, इस चीज को हम लोग मानते हैं, इसीलिए हमने आपको सबसे पहले का पूछा कि शायद है वो तो कर लीजिए। तो कंप्लीट हो गया है आपका? बोध प्रश्न करना था जो बच्चों को समझ में आया कि नहीं, बस अच्छा, पूछ लीजिए देखिए, पूछिए पूछिए देखिए। तो आपको ये चीज समझ में आ गई कि अक्षांश रेखा कौन कौन सी दिशा में प्रसारित होती है और देशांतर कौन सी दिशा में विस्तारित होती है? ओके आज इतना ही, थैंक यू प्रयास आपके द्वारा काफी अच्छा किया जा रहा है, बट प्रॉब्लम यह रही कि आपके यहाँ नेटवर्क घर पे अगल बगल का प्रॉब्लम है, इस वजह से हो रहा है नहीं। जिस हिसाब से हम लोग बोर्ड को देख पा रहे हैं, जिन चीजों को देख पा रहे हैं उसके हिसाब से तो काफी ठीक ठाक रहा है,
नियर अबाउट हमको रितिका बताएंगे, रितिका टाइम कितना हुआ है लगभग इनका? सर 6 मिनट 31 सेकंड। हेलो, आवाज क्लियर है? जी सर। छह मिनट 30 सेकंड लगभग रितिका। यस सर। अच्छा, मनोरमा आपके हिसाब से कैसा इनका फीडबैक था? पहले सर पहले से बेटर था सर। और सर बीच में हम नहीं सुन पाए सर, नेटवर्क इनका वीडियो मेरे को दिख ही नहीं रहा था। सर स्टार्टिंग में एक बात कहना चाहते हैं, क्योंकि सर अगर बोलने में अगर प्रोनाउंसिएशन सही रहे तो सही रहेगा, जैसे स्कूल को स्कूल बोल दी थी वो। और एक्चुअल में ध्यान देने वाली बात है, बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं और प्रॉब्लम रहती है सबके साथ। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के साथ एक प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग की जो घर की भाषा है, जो लोकल लैंग्वेज है, हम लोग उसका खास कर यूज कर जाते हैं। जैसे कुछ हिंदी है चाहे इंग्लिश है, तो हम लोग घर पे बोलते हैं कि स्कूल बोल दिए, तो वो मदर टंग जो है वो स्टूडेंट के प्रोफेशनल लाइफ में आ जाता है या टीचर के प्रोफेशनल लाइफ में आ जाता है। तो जितने भी लोग हैं, चाहे मनोरमा हो, प्रिया हो, चाहे अन्य स्टूडेंट हैं, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें कि मदर टंग नहीं आए, बल्कि जो एक प्रोफेशनल भाषा है, जो कहते हैं विद्यालयी भाषा, स्कूल की जो भाषा है, उस भाषा का हम प्रयोग करें तो इन चीज़ों से बचा जा सकता है। ठीक है प्रिया, प्रिया कुमारी, बहुत नेटवर्क इशू है के पास। ठीक, ओके बेटा, नेक्स्ट। चलिए भाई, इनको बहुत ज्यादा हम लोग कुछ नहीं बोल पाएंगे क्योंकि इनके साथ कुछ समस्या रही है। और कौन करेगा नेक्स्ट? हाथ ही रेज करें जिनको पढ़ाना है। चलिए सरिता, चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो भाई वो हाथ एरेज कर दे, क्योंकि उसके एक नंबर आ जाएगा फिर। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। Today we will discuss on the topic globe. आज हम लोग globe के विषय में discuss करें। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि क्या आप लोग globe के बारे में जानते हो? कोई भी? मैम स्कूल वगैरह में देखे हैं। जी? मैम इस स्कूल में देख स्कूल में कोई और फिल्म देखे हैं मैम जिसे ग्लोब के बारे में जानकारी हो थोड़ा बहुत? नहीं, नो वन। ओके, तो हम लोग ग्लोब पे डिस्कस करेंगे। हमारी जो पृथ्वी है वो बहुत बड़ी है, उसका जो एरिया है क्षेत्रफल वो बहुत बड़ा है, तो हम पूरी पृथ्वी को एक बार में उसका अध्ययन नहीं कर सकते। तो उसके लिए जो ग्लोब है, जो वो पृथ्वी का नमूना है, तो वो उस ग्लोब में हम उसका आकार, पृथ्वी कितनी डिग्री झुकी है, ये उसमें जो मैदान है, नदियां हैं, महासागर है, ये सब हम एक ही समय में देख सकते हैं या किसी अदर
किसी भी देश की क्षेत्रफल ये सब कुछ हम ग्लोब भी देख सकते हैं, तो ये हमें बहुत आसानी से समझ सकते हैं हम ग्लोब के माध्यम से। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ग्लोब को डिस्कवर किसने किया था, उसकी खोज किसने की थी। सबसे पहले जो उसकी खोज है वो मार्टिन बेहाइम ने की। सब कुछ है मानिए, ये हमारी पृथ्वी पृथ्वी को जो बीच से डिवाइड करती है, दो भागों में डिवाइड करती है, उसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। 0 डिग्री इसको भूमध्य रेखा कह सकते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं, और इंग्लिश में हम इसको एक पेटर कहते हैं। ये हमें ये हो गया उत्तरी गोलार्ध और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध, जिसे हम पोल भी कहते हैं। ये हो गया उत्तरी पोल, कुछ ये दक्षिणी ध्रुव। अब ये भूमध्य रेखा के ऊपर यानी उत्तरी गोलार्ध में ये जो लाइन होती है, ये इन जो लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड मींस लेटा हुआ, तो इसको हम अक्षांश कहते हैं। ये सारी लाइनें जो हो गई वो अक्षांश हो गई। और लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड मींस वर्टिकल, ऐसे ये सारी लाइनें जो हो गई वो दिशांतर कहते हैं। तो भूमध्य रेखा के ऊपर वाली लाइन, ऊपर वाले अक्षांश को हम कर्क वृत्त कहते हैं। और जो दक्षिणी ध्रुव है तो उसे हम मकर वृत्त कहते हैं। यहां तक भी किसी को प्रॉब्लम है, ऐसी कोई जो किसी को समझ ना आया तो प्लीज बताइए। किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। ये समझ में आ गया? ये बीच वाली जो लाइन है वो भूमध्य रेखा है, और इसके जस्ट ऊपर वाली लाइन 23.5 डिग्री पे है, कर्क वृत्त कहते हैं। और जस्ट इक्वेटर के नीचे वाली जो लाइन है उसको हम मकर वृत्त कहते हैं, ये भी 23.5 डिग्री है। और इसके ऊपर वाली जो लाइन है ये 86.5 डिग्री पे है, इसको हम कहते हैं आर्कटिक वृत्त। और 86.5 डिग्री पे नीचे ये हो गई अंटार्कटिक वृत्त। किसी को कोई प्रॉब्लम है? तो मैं पूछना चाहती हूँ, आकांक्षा, आकांक्षा, रितिका? यस मैम। क्या आप मुझे बताएंगे कि पृथ्वी को जो दो गोलार्धों में डिवाइड करती है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध को, कौन सी ऐसी लाइन है जो डिवाइड करती है? उस लाइन को हम क्या कहते हैं? I don't know ma'am, please you explain it. तो रितिका, मैंने आपसे पहले सभी से पूछा था कि किसी को कोई प्रॉब्लम है, जब आपने आप सभी निकाल रहे कि नहीं। ओके, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। सर कंप्लीट, इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। अब इसके आगे हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। थैंक यू। देखिए भाई, किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो वो पूछ ले पहले ही, क्योंकि जब लगातार बार बार सविता पूछ रही थी कि अगर कोई को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो देखिए पढ़ रहे हैं तो बहुत सी ये जनरल जानकारी है, और ये कंपटीशन में भी आता है अक्सर, ये चीज़ों को हम लोग देखते हैं, इसमें पूछा जाता है कभी भी कि भूमध्य रेखा या देशांतर रेखा
या विषुवत रेखा है, कितने अंश पे वो लगी होती हैं, ये सब जो क्वेश्चन होते हैं जो सीटेट आप देंगे या जेटेट देंगे तो ध्यान रखिएगा यही सब चीजें पूछी जाती हैं। जो कुछ 15 क्वेश्चन जो होते हैं सीटेट में वो आपके होते हैं मेथोडोलॉजी से, मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड से लेकर के, और 30 नंबर के जो होते हैं वो जनरल होते हैं, और वो उन सब चीज़ों में यही जनरली चीज़ें होती हैं जिसको हमको शायद जानकारी नहीं होती है, क्योंकि हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट कहीं कहीं इधर उधर रहता है। इस चीज़ को हमको ध्यान दें जितने भी लोग हैं। और सरिता, टाइम इनका टाइम कितना लगा था रितिका? 6:17। चलिए लगभग टाइम तो सही रहा है। और शिक्षक ने शिक्षण करते समय समुचित शरीर संचालन किया था? रितिका आप ही बताते चलें। सर हमको उतना ज्यादा हिंदी नहीं आता सर। अच्छा, इन्होंने जो अपना बॉडी मूवमेंट था उसको किया था या नहीं किया था टीचिंग के टाइम? यस सर, बॉडी लैंग्वेज बहुत ही अच्छा था, बट एक चीज बोलना चाहेंगे कि जब स्टार्टिंग में ये जब लिख रही थी सब्जेक्ट वगैरह, तो उस वक्त अगर बच्चों से हम लोग इंटरेक्ट करके बोले कि आज हम लोग ये पढ़ेंगे ऐसे करेंगे, वो चुप्पी एकदम से नहीं लगाना चाहिए, तो उस टाइम में लग रहा था कि वो चुप होके लिखने लगी थी। वो चुप होके लिखने का एक कारण होता है कि जिस स्किल में जो चीजें होती है वो स्किल को हम फॉलो करते हैं। अभी वो स्किल हो रहा है तो स्किल में वो चीज नहीं है जो आप बोल रही हैं, तो वो बच्चा से यही करना चाहिए कि ब्लैक बोर्ड पे जब लिख रहे हैं तो आप बोलते रहिए, बच्चों से पूछते रहिए, जैसे कहिए अच्छा आज बताइए आज डेट क्या है, डेट लिख दीजिए, आज हम लोग किस विषय में अध्ययन करने जा रहे हैं, जैसे साइंस का है या ज्योग्राफी का या सोशल साइंस का, तो आप उसको बोलते जाए तो वो क्लास आपका क्या रहेगा, डिस्टर्ब नहीं होगा। और दूसरा पॉइंट की सेंटर में ही लिख रही थी, थोड़ा सा किनारे हट के अगर ये लिखती तो शायद ज्यादा अच्छा रहता, सेंटर में बीच में ही खड़ा होके। अच्छा ठीक है, ये हमारे रितिका उसमें नहीं है। एक्चुअल क्या है कि जब हम लोग ब्लैक बोर्ड स्किल पढ़ेंगे तो ब्लैक बोर्ड में यही चीज होता है कि कितने डिग्री पे हमको खड़ा होना है, यस सर, कैसे लिखना है, वो अगले स्किल में है, तो हर चीज एक साथ नहीं किया जा सकता वहाँ पे, क्योंकि आप पढ़ाते हैं इस वजह से आपको कुछ चीजें पता है, लेकिन उनको जो करना है उनको हम लोग उसी समय बताएंगे। ठीक है सरिता, तो उस पर ज्यादा भी नहीं ध्यान देना है। हाँ, शिक्षक ने शिक्षण करते समय समुचित हाव भाव जो था आपके जो फेस एक्सप्रेशन पे कैसे थे, रितिका आप ही बताते चलिए। सर बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था। यस सर। जो इनका स्वर था मतलब आवाज जो थी उसमें उतार चढ़ाव था क्या? यस सर, क्वेश्चन पूछने के बाद वो चुप भी हो जाती थी तो वो भी अच्छा था सर। अच्छा, सेंट्रलाइज करने की कोशिश किया था इन्होंने अपने टॉपिक की तरफ? यस सर, ऑलमोस्ट। और बच्चों से इंटरेक्ट अच्छा था इनको, ने कोशिश किया था उसको चेंज करने की? यस सर, कोई भी कुछ मतलब कि ये कुछ भी पढ़ा रही थी उसके बाद उनके बारे में क्वेश्चन पूछ रही थी, वो चीज बहुत अच्छा था। अच्छा, जो ऑडियो विजुअल एड्स थे उसके क्रम में इन्होंने चेंज करने की कोशिश की थी? नो सर, जो भी इन्होंने नो ऑडियो, अरे भाई वीडियो एड्स का मतलब कि जो उन्होंने चित्र बनाया था वही होता है, तो उसको तो उन्होंने किया था। फिर उसके बाद स्टिमुलस चेंज करने के लिए मतलब स्टिमुलस वेरिएशन करने के लिए इन्होंने स्टूडेंट का यूज किया था, सहयोग लिया था? यस सर। तो आप लोग का लगभग काफी चीजें रही हैं, एक चीजों को छोड़ करके आपने काफी यूज किया है, तो सरिता काफी अच्छा रहा है आपका आज, ठीक है, और कल से बहुत ज्यादा इम्प्रूव था। सरिता कहाँ गई, सामने आ जाओ भाई। जी सर। कल से काफी मतलब अच्छा रहा है, कल जो जितनी भी आदतें थी कल का भी मैं गिना दूं तुम्हें, कल मैंने लिख रखा है, और चेहरे का जो हाव भाव था जो एक्सप्रेशन था वो बहुत ही कल सही नहीं था, जैसे आप होंठों को दबा रही थी और उसके बाद मतलब कुछ नहीं आ रहा था, तो ऊपर जैसे नहीं होता कि जो गाटर या पट्टिया है ऊपर रखा हुआ है या तो बीम है ऊपर छत पे उसको गिनते हैं, अक्सर बच्चों की आदत जैसे होती है नहीं आता तो वो ऊपर देखते हैं छत पे या आसमान में कुछ लिखा हुआ है और उसको देख करके पढ़ लेते हैं, तो वो कल स्थिति थी, लेकिन आज मतलब जो कॉन्फिडेंस रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है। तो आज तो ये है कि अगर आप मान लिया जाए टीचिंग हो रहा है अगर 100 नंबर का है तो 80+ तो दिया जा सकता है, क्यों रितिका कितना दिया जाए इनको?
सर 85 85 दे दिया है, चलो ठीक है भाई, नियर अबाउट ये है, ठीक है। तो अधिकतम वाले में रहेंगे जो टैली जाए आपका बना हुआ उस पर, चलिए ठीक है, ओके जी। चलता नेक्स्ट कौन आ रहा है? काजल है, नीतू है, आज दोबारा नंबर आ जाए भाई, सेकेंड टर्म के लिए भी तैयार रहिए क्योंकि आज संख्या कम है। कोई नहीं आ रहा? कुमारी नीतू जी सर, नहीं पढ़ाना है आज क्या? नहीं सर, पढ़ाना है। कब? दूसरे का वेट कर रही हो कि सबका पढ़ देख लेंगे उसके बाद पढ़ाएंगे? नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। हाँ तो आ जाइए, आकांक्षा इसके बाद तैयार होंगी, आकांक्षा कुमारी पहले आवाज जा रही ना, आकांक्षा बोलिए पहले तो। यस सर, आ रही है। इसके तैयार है ना? जी सर। अच्छा ठीक है, नीतू जा रही पढ़ाने, तैयार हैं। रितिका आप भी तैयार रहिएगा, आप भी आज पढ़ाएंगी। सरिता इनका फीडबैक और टाइमिंग लिखिएगा। चलिए हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों क्या आप लोग इन्हें जानते हैं? थोड़ी सी पिक्चर छोटी बड़ी नहीं मिल पाई, तो क्या आप लोग बता सकते हैं ये कौन है? मैम कबीर दास। हाँ कबीर दास, अच्छा। तो आज हम लोग कबीर दास जी के दोहे के बारे में पढ़ेंगे। कबीर दास का, अच्छा बच्चों आप लोग क्या कोई कबीरदास जी का दोहा आप लोगों को पता है? कोई बता सकता है? कोई भी कबीरदास जी के दोहा जो जानता हो, जो कभी आप लोगों ने कभी सुना होगा, कोई बता सकता है? प्रिया, हेलो, सब सब साम सुने हैं कबीर दास के दोहे है, सुने हैं, क्या बता सकती है? जी, ऐसी वाणी बोलिए मन का पर खोए, आपन को औरों को शीतल करे, आपको शीतल होए। तो कबीर दास जी ने हाँ बहुत सारे दोहे बताए जिसमें से हम आज बताने जा रहे हैं, जैसे कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ पेड़ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लगे अति दूर। अर्थात इसमें कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि बड़े होने से कोई फायदा नहीं होता है, अर्थात अगर हम लंबाई में बड़े हो जाए या फिर हमारी हाइट आकार बड़ा हो जाए, और अगर हम बड़े हो के अगर हम किसी को हेल्प नहीं कर सकते, किसी की मदद नहीं कर सकते हैं, तो बड़ा होने का कोई फायदा नहीं होता है। जैसे पेड़ खजूर का पेड़ है, बड़ा रहता है उस पे उसके नीचे कोई आराम नहीं कर सकता है। जैसे पंथी, पंथी को छाया नहीं, पंथी मीन्स होता है रागी, रागी तो उस छाया नहीं, और उसके ये फल भी बहुत ऊपर लगे रहते हैं जिसको कोई हम लोग तोड़ भी नहीं सकते हैं। इसीलिए
इसीलिए बड़ा होने का कोई मतलब नहीं होता है। बड़ा हम कब हो सकते हैं, कोई बता सकता है कौन सा ऐसा कार्य करके हम बड़े हो सकते हैं? कोई बता सकता है? मैम जॉब लेना। आकांक्षा, हम बड़े कब कहलाएंगे? कौन क्या ऐसा करेंगे जिसे लोग हमें बड़े समझेंगे कि हाँ ये बड़ा है, या फिर कौन से ऐसे कार्य से? कोई बता सकता है? नौकरी जब ले लेंगे? जी नहीं, हम अच्छे कार्य करके, क्योंकि हमारा हम तो चले जाएंगे लेकिन लोग जो हमें याद रखेंगे हमारे अच्छे कार्यों की वजह से हमें याद रखेंगे। इसीलिए जीवन में हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगला दोहा है कबीर कबीर दास जी का कि दुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे ना कोई। जो दुख में सुमिरन करे सो जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का हे को होए। अर्थात जब हमारे जीवन में दुख आता है तो हम किसे याद करते हैं? कोई बताएगा? भगवान को। भगवान को। जी, लेकिन जब हमारे जीवन से दुख चले जाते हैं तब हम भगवान को भूल जाते हैं, अपने सुख में हम पूरी तरह से मग्न हो जाते हैं, तो हमें कुछ याद ही नहीं रहता है। तो यहाँ कबीर दास जी यही कहना चाहते हैं कि सुमिरन, दुख में सुमिरन, सुमिरन सुमिरन का मतलब होता है याद करना, याद करना। अर्थात अगर हम सुख में भगवान को याद करेंगे तो हमें दुख नहीं होगा कभी। इसीलिए हमें हमेशा दुख या सुख को भगवान को याद करना चाहिए। इसी तरह से अगला दुआ ये है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गुरु बरिहारी आपने गोविंद यो बताए। अर्थात इसमें गुरु और गोविंद की के बारे में बताया गया है। गोविंद, गोविंद का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा? प्रभु। जी, गोविंद का मतलब ईश्वर, भगवान। बिल्कुल, भगवान, भगवान, ईश्वर। तो हमें भगवान और ईश्वर, भगवान और गुरु में सबसे पहले हमें किसका चरण स्पर्श करना चाहिए? गुरु का। क्यों करना चाहिए? क्योंकि वे रास्ता बताते हैं भगवान तक के तक जाने का। वो हमें रास्ता बताते हैं, भगवान क्या है, भगवान की भक्ति कैसे करना चाहिए, ये सब हमें गुरु के द्वारा ही प्राप्त होता है। इसीलिए गुरु भगवान से बड़ा गुरु होता है। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोगों ने इसमें जीवन की बहुत सी महत्वपूर्ण बातों के बारे में हमने जाना कि हमेशा दूसरों की हेल्प करना चाहिए, दुख का सुख भगवान को याद करना चाहिए, अपने आदर करना चाहिए। इन सब बातों को आज हम जीवन की इन महत्वपूर्ण बातों को हमने आज जाना। तो बच्चों और कबीर जी के दोहे आप लोग कल लिख के लाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। सर हो गया। टाइम कितना हुआ बेटा? टाइम बताइए। टाइम सर 6:24। 6:24। Yes, और उसके बाद फीडबैक दीजिए सर। पर कितना टाइम लगा सर? 6:24, 6:24। सरिता। यस सर, वो सबसे पहले तो कबीर दास है कौन, इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना चाहिए था, क्योंकि बच्चों को ये तो पता ही नहीं होगा कि कबीर दास है कौन, जब क्योंकि हम मतलब बच्चे तो छोटे होंगे ना, फिर भी तो उसके बाद बताना चाहिए कि उन्होंने पूछा तो कि हमने फोटो दिखाए तो बच्चों ने बोला। आप उनकी बात सुनिए, वो बच्चे जैसा सोच रही हैं तो आप फोटो के चक्कर मत पड़िए, अगर वो पूछ रहे हैं तो आप बताइए उनको, उनकी बात को सुनिए पहले, ठीक है? नीतू ठीक है सर। सरिता, मतलब कबीर दास का ठीक है, आपने पिक्चर दिखाया बट बच्चे समझ गए, लेकिन वो कहाँ है, वो पले बड़े और उन्होंने फिर मतलब बहुत सारी दोहे, शब्द, साखियां ये सब लिखी हैं, इस तरह से इंट्रोड्यूस करना चाहिए आपको,
और उसके बाद फिर बताना चाहिए, उनमें से हम कुछ दोहे बताते हैं फिर बताते हैं। फर्स्ट थिंग ये था। सेकंड थिंग जो था, मुझे ऐसा लगा कि आप खुद भूल जा रही थी दोहे, और जो आपका जो आई कॉन्टेक्ट था वो बच्चों से नहीं था, मीन्स सामने थोड़ा नहीं था, वो थोड़ा सा इधर उधर हो रहा था ऐसा। आया समझ में? और कुछ? जी सर। पहले तो पद्य आपने, दोहे जो थे वो पद्य की जैसी श्रेणी में आते हैं। एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसको हिंदी में गाया जाता है, और वो तो भाव तो मुझे कहीं नहीं दिखाई दिया सर। मैंने सोचा था गाने के लिए ही सर। सर मैंने जो प्रैक्टिस किया था गाने का, सर मैंने जो भी प्रैक्टिस किया था तो उसी को करना चाहिए था। देखो पद्य जो होता है, गद्य और पद्य में अंतर क्या होता है हिंदी में या लैंग्वेज में कभी भी, पद्य को पद्य जैसा और गद्य को गद्य जैसा कहा जाता है। दोहे हैं, छंद है, चौपाई है, इन सब चीजों को हर समय गा करके उसका जो भाव होता है उसी तरीके से किया जाता है। आपका जैसे था, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मतलब जो भाव है उस भाव में आप जाइए और उसी तरीके से कहिए। कारण इससे क्या होगा कि जो कहते हैं कि जब आप उतार चढ़ाव करेंगे स्वर में तो बच्चे क्या होंगे, इंटरेक्ट होंगे आपके तरफ बहुत ज्यादा। एक क्लास फोर्थ में गीत है, मैं उसी को पहले भी बताया था, उसी को मैं करता हूँ। एक था कि देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कुक कुक कर आमों में मिश्री घोली। सुभद्रा कुमारी चौहान का ये गीत है और क्लास फोर्थ की में है। तो इसी को देखो आप जैसे कविता कहती हैं किसी चीज को, मैं इसको गा करके बताता हूँ, आप लोग इसको थोड़ा सा करिएगा, देखिएगा और समझिएगा कैसे उतार चढ़ाव स्वरूप किया जाता है। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कूक कूक कर आमों में मिश्री घोली। कोयल कोयल सच बतलाओ क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। क्या गाती हो किसे सुनाती, क्या गाती हो किसे सुनाती, बतला दो कोयल रानी। प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी, क्या गाती हो किसे सुनाती, बतला दो कोयल रानी। प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी, कोयल यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है, माँ नहीं क्या तुमको मीठी, माँ नहीं क्या तुमको मीठी, बोली यह सिखलाई है, माँ नहीं क्या तुमको मीठी, बोली यह सिखलाई है। बहुत है ये, लेकिन इसको बहुत आगे तक नहीं जाएंगे क्योंकि समय के हिसाब से रहेंगे। अब इसी चीज को हम सिंपली भी बोल सकते हैं, जैसे कहें देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कुक कुक कर आमों में मिश्री घोली। और कोई इसी चीज को पढ़ेगा, देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, ऐसे ही आप बोल रही थी, आप जो बोल रही थी एक सिंपल भाषा था आपका। तो ध्यान रहे, देखिए सोशल साइंस साइंस है, अन्य चीजें अलग हैं, लेकिन जो लिटरेचर है या हिंदी के दोहे हैं
छंद है, रस है, चौपाई है और कविता है, उस कविता को कविता पाठ जैसा कहिए, दोहे को दोहे जैसा कीजिए, तभी इंटरेस्ट जगेगा। तो आगे से कभी भी कोई भी टॉपिक उठाइएगा तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि पद्य है तो पद्य को गा करके ही सुनाना है, ठीक है। और मौन विराम भी करना था बीच में, हम ध्यान रखिएगा अगले बार नीतू कभी भी। काफी पहले से आप में इम्प्रूव है, इसमें कोई वो नहीं करना है कि भाई इम्प्रूव नहीं है, इम्प्रूव है पहले से। लेकिन सभी लोग, जितने भी, नीतू की बात नहीं कर रहा, सभी लोग जो कंपोनेंट्स भेजे जाते हैं आपको, जो कंपोनेंट्स लिखाए गए हैं, बताए गए हैं, उस कंपोनेंट्स को जरूर ध्यान दें। एक बार कंपोनेंट्स को पढ़ लें कि अगर हम इस टीचिंग को करने जा रहे हैं तो वो क्या कंपोनेंट्स हम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। अगर वो कंपोनेंट्स अगर आप फॉलो कर जाएंगे तो इसका मतलब कि आप टीचिंग के जो लेवल है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के काफी ठीक रहा, लेकिन थोड़ी सी कमी है, और वो कमी ज्यादातर इससे लग आई कि क्योंकि आपने दोहे को दोहे जैसा नहीं कहा, एक जो गद्य का भाव रहा उस भाव को कर दिया, इस वजह से कमी ज्यादा उजागर होगी। ठीक है नीतू जी, सरिता सर, और कुछ तो, हाँ तो जो तैयार रखिए, अगर आपने पद्य में कहा है तो मैं उसको फिर से सुनूंगा नेक्स्ट, और इसी को आप उस तरीके से बोलिएगा, इसी सेम चीज को, ठीक है सर। तो रीटीचिंग के लिए तैयार रहिएगा इसी टॉपिक को, टॉपिक सेम रहेगा, चीजें सेम रहेंगी, उसको आपको अपने तरीके से बोलना है, ठीक है। हेलो सर, नेक्स्ट आकांक्षा चलिए। यस सर। जी हाँ, कौन? सर मैं काजल। हाँ काजल बोलिए। सर जो नीतू की है क्लास, हाँ, वही हम कर सकते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट दोनों का मैच कर रहा है और लगभग टॉपिक वही है तुम्हारा भी। जी सर, और दोहा भी वो मेरा मतलब पढ़ गई। अच्छा हाँ चलो कोई बात नहीं, वही कर दो, देखते हैं तुम्हारा भी सुन लेते हैं भाई, कोई बात नहीं, तुम्हारा पढ़ गई तो क्या करें, इसीलिए कहते हैं ना कि पहले आओ और पहले पाओ। सर तो हम दोहा थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। नहीं नहीं है, जो तैयार किया हुआ पहले उसको कर लो, फिर दोबारा कर लेना। कोई करेगी अभी, कौन है आ रही है, कोई आकांक्षा स्टार्ट कर रही है ना, आकांक्षा की बात करिएगा। हाँ आकांक्षा चलिए। ओके सर, मैं दंगवाइले की जा रहा हूँ। दिख रहा है काजल? हाँ। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और इनकी शाखाएं कौन कौन सी हैं। तो कोई बता सकते हैं विज्ञान क्या है? हेलो काजल, नो मैम। ओके तो हम बताते हैं विज्ञान क्या है। विज्ञान की खोज है। हमारे जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसका क्रमबद्ध या व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इसकी उत्पत्ति यानी विज्ञान, इसकी उत्पत्ति साइंस विज्ञान यानी साइंस लैटिन शब्द के सिंटिया शब्द से हुई है। इनकी शाखाएं कौन कौन सी बता सकती हैं काजल? हेलो चलिए प्रिया बताइए, काजल लग रहा है। प्रिया जी मैम, साइंस की शाखाएं बहुत, आपका जीव विज्ञान हो गया, आपका रसायन शास्त्र हो गया, भौतिक शास्त्र हो गए, ये सारी शाखाएं जी। तो देखिए बताते हैं विज्ञान की शाखाएं दो है। फर्स्ट
विज्ञान की शाखाएं। एक वनस्पति विज्ञान, और दूसरा होता है भौतिकीय विज्ञान। और मैम रसायन? वनस्पति विज्ञान में आते हैं जंतु विज्ञान। मैम रसायन विज्ञान क्या? तीन शाखाएं होती है ना मैम? नहीं, दो ही शाखाएं होती हैं। इसे भौतिकीय विज्ञान में आते हैं भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, और वनस्पति विज्ञान में आते हैं जंतु विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के दो भाग होते हैं। फर्स्ट प्राकृतिक विज्ञान, ठीक है सर? और दूसरा होता है जंतु विज्ञान। दिख रहा है सबको बच्चों? दिख रहा है आप सबको? हेलो, दिख रहा है मैम। मनोरमा? यस मैम, यस मैम। क्या लिखे अभी बोर्ड मैम? बोर्ड में, बोर्ड तो दिख रहा है लेकिन उसमें मोबाइल में नहीं दिख रहा है। जैसे बोल रहे तो ध्यान दीजिए ना क्या क्या बोल रहे हैं। जैसे देखिए वनस्पति विज्ञान की शाखा दो होती है, फर्स्ट वनस्पति विज्ञान और दूसरा भौतिकीय विज्ञान। भौतिकीय विज्ञान, हाँ। वनस्पति विज्ञान के दो भाग होते हैं, प्राकृतिक विज्ञान और जंतु विज्ञान, और भौतिकीय विज्ञान के भी दो भाग होते हैं। बता सकती है कोई? सरिता? रसायन विज्ञान? नहीं नहीं मैम। केमिस्ट्री और फिजिक्स? हाँ बोलिए बोलिए। केमिस्ट्री और फिजिक्स, हाँ राइट, गुड। भौतिकी और रसायन। तो बच्चों अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक विज्ञान क्या है, जंतु विज्ञान क्या है, और भौतिकी और रसायन विज्ञान के बारे में। ओके सर, हो गया, थैंक यू। टाइम बता दे भाई कोई, टाइम कितना लगा? 4:52 कितना लगा आकांक्षा? इतना कम समय? अब भाई हम थोड़े ना किए हैं ऐसा, तो हम नहीं कि भाई सर स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हैं हम? नहीं नहीं ऐसा ही बात नहीं है, वो अपने के लिए कह रही हैं। सारे अपना देख रहे थे, मतलब इतना कम कैसे लग गया समय? 6 मिनट का था ना? 6 मिनट का था लेकिन आपने तैयारी नहीं की थी, इस वजह से आपका कम लगा। तो यही है कि तैयारी था लेकिन तैयारी के हिसाब से आपने चीजों को एक्सप्लेन नहीं किया। अगर आपने, आपको मौन रहना था, अगर आपने उस कंपोनेंट्स को किया होता तो 10 सेकंड बढ़ गया होता, तो ये जो 52 है वो पहुंच गया होता 5 मिनट के बाद पहुंच गया होता। तो कंपोनेंट्स को ध्यान रखिएगा तब तो, कंपोनेंट्स पे ध्यान तो है नहीं। और पहली बात ये ध्यान रखिएगा कि आकांक्षा कैमरे को एक दिन पहले कहीं सेट करके आप लोग देख लीजिए कहाँ पर है। नहीं सर, बहुत बड़ा बोर्ड है, हमसे सेट नहीं हो पाएगा, तो आज आ रहे हैं। सही है, बोर्ड अपने जगह सही है, बोर्ड में कोई कमी नहीं है। तो आप कोई टेबल सामने रख करके, कोई सामान रख करके आप उसको सेट करिए कहाँ हम खड़े हों कि पूरा बोर्ड सही आ जाए। क्या है कि बोर्ड कम दिखाई दे रहा है और आपका ऊपर का सब सामान ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो ध्यान हमको ये रहना चाहिए। कभी भी हम लगाएं तो कैमरे को इस तरह से सेट करें, जैसे अभी हमको देखिए, हम दिखाई दे रहे हैं आपको? जी सर, आपका कैमरा ठीक? हमारा छत भी दिखाई दे रहा है? नहीं सर। क्या है, क्या दिखाई दे रहा है? अगल बगल कितना दिखाई दे रहा है मेरे?
नहीं दिख रहा सर, कैमरा आपका ठीक है इसलिए सर, मेरा मोबाइल भी गिर रहा है। कैमरा ठीक नहीं है, हमने मतलब थोड़ा सा सेट किया ठीक से, इस वजह से नहीं। देखो इसी कैमरे को यहीं पे सिर्फ इसको घुमा दे, हल्का सा कवर कर दे, देखो कहीं घूम रहे हैं। अब देखो मैं कम दिखाई दे रहा, ऊपर ज्यादा दिखाई दे रहा है। अब इसी कैमरे को बस सेट कर दे थोड़ा सा, बस इसी जगह पे। अब देखो कैमरा वही है ना, मैं कहीं हिल रहा हूँ, बस मोबाइल को सेट किया जा रहा है। तो बोर्ड वही रहेगा, सेट मोबाइल को सही से करिए कि जिससे कि क्या हो उन चीजों को हम देख सकें, ये काम करना। दूसरी बात, लैटिन शब्द नहीं होता, लैटिन एक भाषा होती है। लैटिन एक लैंग्वेज है लैटिन, उसको आप ध्यान रखिए कि खासकर दो लोगों में बहुत बड़ी कमी है। एक नाम बता दूं, एक प्रिया कुमारी और आकांक्षा, दोनों लोग लोकल लैंग्वेज यूज करती हैं ज्यादा। जो घर की भाषा है ना वो आ जाता है आपको प्रोफेशन में, और ये टीचिंग में नहीं होना चाहिए। इस चीज से हमको क्या करना है, बचना होता है, इस चीज को ध्यान रखें। और फिर आपने कहा विज्ञान की शाखाएं, यही ना कहा था, शाखा माने दोस्त होता है, आपने कहा था विज्ञान की शाखाएं, विज्ञान की शाखा, हाँ शाखाएं, जो वर्ड है वो सा है, मतलब पूरा सा, तो उस पे डंडा भी लगा हुआ, मतलब आ की मात्रा लगी हुई है, तो शाखाएं, इस वर्ड को यूज किए। आपने क्या कहा विज्ञान की शाखाएं, तो शाखा माने दोस्त हो गया, विज्ञान के कौन कौन से दोस्त हैं, तो वर्ड का मीनिंग हो जाए। जैसे एक वर्ड है चीता, एक वर्ड है चिंता, आपने कह दिया कि ये चिंता में है तब तो ठीक है, आपने कहा ये चीता पे है तो जी सर, उसका थोड़ा नाम शाखाएं नहीं शाखाएं, ठीक है। तो ऐसे चीजों को हमको ध्यान रखना है, और शिक्षण का फिर स्वर में उतार चढ़ाव थोड़ा, मतलब जिस चीज को हम लोग बोल रहे हैं उसको थोड़ा सा इस चीज को ध्यान देना बहुत जरूरी है कि हमारे जो आपका लैंग्वेज का एक सीधा फ्लैट है, फ्लैट समझते हो, जैसे एकदम एक स्पीड से चल रहा है तो उसी स्पीड से जा रहा है, रुक नहीं रहा है, कहीं उतार चढ़ाव वर्ड में बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप बोल रहे हैं कहीं आप विश्राम नहीं लेंगे, रोकेंगे नहीं, तो आपकी टीचिंग इफेक्टिव नहीं होगी, इस चीज को ध्यान रखिए। मैं बोल रहा हूँ, बोलता रहूं, क्या आकांक्षा कैसी हो, और घूम रही हो, ठीक ठाक हो ना बेटा, क्या क्या काम हो रहा है इस समय तुम्हारे घर पे, कैसे हैं सब लोग, और तुम्हारे हस्बैंड ठीक है, बच्चे ठीक हैं, अच्छा कब आ रही हो कॉलेज, जल्दी आ जाना तुमको। अब इसी वर्ड को मैं कहूँ, क्या आकांक्षा कैसी हो, और घर पे सब हाल चाल ठीक है, तुम्हारे हस्बैंड कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, कब आना हो रहा है तुम्हारा कॉलेज, जल्दी आ जाना बेटा, कुछ कॉलेज काम है, अपने जो डॉक्यूमेंट हैं या ये फॉर्म है उसको आकर के फिलअप कर जाना। वर्ड तो दोनों एक ही जी बोले जा रहे हैं, yes. अंतर क्या है दोनों में, सर उतार चढ़ाव, जैसे आप उतार चढ़ाव, तो वही टीचिंग का मतलब ही यही है, उतार चढ़ाव। आप देखते होंगे कहीं भी टीचर, किसी टीचर की बहुत अच्छी भाषा लगती है और किसी टीचर का गुस्सा आता है मन में, तो ऐसे गुस्सा वाला आप मत बनो, आपको क्या करना है, उतार चढ़ाव करना है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि शब्दों में उतार चढ़ाव बहुत ही जरूरी है। इंटरप्ट कीजिए बच्चों से ज्यादा कोशिश कीजिए, मौन विराम करना था, ये सब लोग धीरे धीरे छोड़ रहा है, मौन विराम को सब छोड़ दे रहे हैं, मौन हो ही नहीं रहे, तो इन चीजों को ध्यान रखें, ठीक है आकांक्षा। कल से लेकिन बेहतर था, थोड़ा धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है। नेक्स्ट कौन है भाई, काजल, चलिए आइए। रितिका पांडे तैयार हैं इसके बाद पढ़ाने के लिए? नो सर। हाँ नो सर, ब्लैकबोर्ड नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं, बिना ब्लैकबोर्ड का पढ़ा लेना, लेकिन सर टॉपिक डिसाइड नहीं किए हैं। ना तो टॉपिक डिसाइड कर लो, बहुत 5 मिनट तो करना है, कौन सा बड़ा बात है। ओके सर। चलिए सरिता और प्रिया कुमारी, प्रिया का थोड़ा नेटवर्क इशू है इस वजह से प्रिया को ज्यादा है। आकांक्षा आप इनका नोट करो तो फीडबैक, और सरिता आप टाइम देखना। ओके सर। चलिए ओके सर ठीक।
काजल टाइम स्टार्ट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कबीर दास के बारे में, कबीर दास के दोहे के बारे में। कबीर दास एक कवि थे, हम लोग जानते हैं इनको, और वो अपने बातों को दोहे के रूप में लिखते थे। दोहा का मतलब क्या होता है कि आप लोग जानते हैं? कोई जानते हैं दोहा क्या होता है? ठीक है, हम बताते हैं। दोहा अपने मन से निकला हुआ बात कबीरदास अपना दो पंक्ति में लिखकर वो पूरा करते थे। अपने बातों को छोटा सा दो लाइन में वो पूरा कर दिया करते थे। तो उसी तरह से उनका जाना माना एक है दोहा, वो हम आज आप लोगों को बताते हैं। जैसा कि समय के बारे में वो महत्व देते हुए उनके बारे में वो लिखे हैं। काल करी सो आज कर, आज करी सो अब, पल में परले होएगा, बबरी करेगा कब। इसका मतलब आपको समझ में आया? कबीर दास ये अपना बात बताते हैं कि समय का हम लोगों को उसका महत्व को जानना चाहिए। जो हम लोग कल करना चाहते हैं वो बोलते हैं कि वो आज कर लो, और जो आज करना चाहते हैं वो अभी, क्या पता कल क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। जो आदमी आज भी सोच के रखा हो कि आज हमको वो कुछ करना है, समय बीत जाता है ना, तो हम लोग पछताने से क्या फायदा मिलेगा। इसीलिए कहते हैं समय को पूरा उपयोग करो। जो हम लोग कल करेंगे, कबीरदास इसे दोहे के रूप में बहुत ही अच्छे से वो बोलते हैं, लिखते हैं। काल करे तो आज कर, आज करे तो अब, पल में परले होएगा, बहुरी करेगा कब, है ना। आप लोग इस तरह से गीत गाकर इसे याद कीजिए, अच्छा लगेगा। इसी तरह ये दूसरे दोहे जैसे कबीरदास ने कहा लिखा है, अति का भला ना बोलना, अति का भली ना चुप, अति का भला ना बरसना, अति का भला ना धूप। कबीरदास ने इसमें ये कहा है कि हमें अधिक नहीं बोलना चाहिए, हमें अधिक नहीं बोलना चाहिए, ना ही अधिक हमें चुप रहना चाहिए। जब जरूरत हो हमें उतना ही बोलना चाहिए, और ऐसा भी ना हो कि हम जरूरत से बहुत ज्यादा बोल दें। ठीक है, जिस प्रकार अधिक वर्षा हो जाती है वो भी हम लोगों को शोभा नहीं देता, और अधिक धूप हो जाए तो भी अच्छा नहीं लगता। जब हम लोग देखते हैं जब अधिक वर्षा होने लगता है या बहुत ज्यादा अधिक धूप होने लगता है तो हम लोग क्या देखते हैं कि मान लीजिए बहुत ज्यादा धूप हो रहा है तो हम लोगों को स्कूल में गर्मी छुट्टी मिल जाती है कि नहीं, अच्छा लगता है। उसका बाहर घर से बाहर निकलना भी अच्छा नहीं लगता है, बहुत ज्यादा अधिक वर्षा हो जाती है तो भी नहीं अच्छा लगता है, लेकिन हल्का हल्का वर्षा होता है तो हम लोग भी इंजॉय करते हैं, है ना। इसी प्रकार है, आप लोग बताइए आप लोगों को क्या, कौन सा मौसम ज्यादा अच्छा लगता है? क्या बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है तो अच्छा लगेगा, हम लोगों को घर में पैक कर दिया जाता है कि नहीं अभी बाहर नहीं निकलना है, अभी हम लोग ज्यादा धूप हो जाता है तो नहीं अभी लू चल रहा है अभी बाहर हमें नहीं जाना है। लेकिन हल्का धूप में हम लोग सब काम कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा से काम कर सकते हैं। इसीलिए अपनी बात को कबीरदास ने एक दोहे के रूप में लिख दिया है। अति का भला ना बोलना, अति का भला ना चुप रहना, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। आप लोगों को उम्मीद है कि समझ में आया होगा। थैंक यू। चलो भाई फीडबैक दीजिए, टाइम बताइए फीडबैक। सर 5 मिनट। 5 मिनट, अच्छा फीडबैक। सर पहला बात कि इनका मतलब भाषा का धारा प्रवाह ठीक था। जैसे पहले सर कबीर के बारे में बताना चाहती थी तो ऐसे उनका मतलब पूरा जीवनी के बारे में नहीं बता पाई कि जैसे इनका जन्म कहाँ हुआ, कहाँ कहाँ रहते थे, कैसे मतलब कि
ऐसे ही बोले कि सर अपने बातों को दो पंक्तियों में लिखते थे, ऐसा थोड़ी है सर। ऐसा नहीं है, एकदम नहीं है, ये एकदम गलत बोल रही है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। दोहा क्या होता है, एकदम गलत बोलती है। दोहा क्या होता है जी? दोहा क्या होता है उसका भी नहीं अच्छा से डिफाइन की, बताओ। काजल, काजल कहाँ गई? दोहा का परिभाषा बताओ, दोहा में क्या होता है, कैसे पता चलेगा ये दोहा है? जैसे मैंने दो पंक्तियों में मैंने लिख दिया, मैंने लिख दिया कि काजल घूमने जाती है, पहला पंक्ति, उसके बाद सरिता उसका खाना खा जाती है, दूसरी पंक्ति, ये दोहा हो गया। कैसे तब कैसे पता चल गया दोहा है कि नहीं है? बताओ, कोई तो कारण होगा ना, तब तो पता चलेगा। दोहा का जो प्रथम और तृतीय चरण होता है उसमें 13-13 मात्राएं होती हैं, ठीक है, और जो द्वितीय और चतुर्थ चरण होता है उसमें 11-11 मात्राएं होती हैं। जब इसको जोड़ा जाता है उसी को दोहा कहा जाता है। ऐसा नहीं कि 15 हो गया तो दोहा हो गया या 8 हो गया तो दोहा हो गया, ऐसा नहीं। विषम परिस्थिति में 15 एकाक पे जाता है, नहीं, अक्सर जितने भी सामान्य दोहे होते हैं उसमें 13-13 और 11-11 मात्राएं होती हैं। तो थोड़ा सा जो हिंदी है उस पर ध्यान दो। दूसरी बात, हिंदी जब पढ़ा रही हो तो अंग्रेजी वर्ड यूज मत करो भाई, ये एकदम सही बात नहीं है, ठीक है। अक्सर हम गलती करते हैं, हिंदी लैंग्वेज अगर पढ़ा रहे हैं तो कोशिश कीजिए हिंदी लैंग्वेज को ही हम डालें, और जैसे अभी बोले ना, लैंग्वेज लैंग्वेज नहीं बल्कि भाषा, ठीक है, कि जो हिंदी भाषा है हिंदी भाषा के शब्दों का ही चयन करें, और हिंदी भाषा के शब्दों का हम कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, दूसरी भाषा नहीं। जैसे अंग्रेजी पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं तो इंग्लिश में इंग्लिश हिंदी नहीं आना चाहिए, वैसे ही हिंदी पढ़ा रहे हैं तो हिंदी। और दूसरी बात कहें, थोड़ा सा आप ब्लैक बोर्ड तो आप समझ लीजिए कि फ्री का रखी हुई है, कोई मतलब नहीं है, आपने कुछ उस पर लिखा ही नहीं, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हमारे पास बोर्ड है, बोर्ड नहीं। हिंदी में ये होता है शब्दार्थ लिखा जाता है, शब्द आपने लिखा उसका अर्थ लिखते तब तो बच्चे को समझ में आता है, वो नोट करता है, आपका टाइम भी और आगे जाता है। जो कठिन शब्द थे, कठिन शब्दों को आपको लिखना चाहिए था, उसके बाद उसका अर्थ लिखती। अब आपने कहा अति के बला न बोली अति के चुप, अरे आप एक उदाहरण एक एग्जाम्पल थोड़ा सा अच्छे से ले लेती, भले एक ही दोहा पढ़ाइए लेकिन आप उसको अच्छे तरह से डिफाइन कीजिए। जब तक अच्छे से डिफाइन नहीं करेंगे वो चीज मजा नहीं देगा, मतलब जो एक टीचिंग का लेवल है वो गिरेगा। और स्वर में उतार चढ़ाव करने की कोशिश किया था आपने लेकिन सेंट्रलाइज नहीं कर पाई थी, और मौन विराम करना था, थोड़ी देर रुकना था, ये लगातार मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा रुकिए आप जी। सर सबका यही है, सबका सबसे मिस हो रहा है कि मौन विराम किया जाए, और जिस सब सामग्री क्रम में कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि लिखा ही नहीं तो परिवर्तन कहाँ से होगा कुछ भी। और बच्चों का सहयोग लेना चाहिए था, एक तरफा यहाँ हो रहा था, आप अपनी बात कह रही थी उनको बोली वो बोल नहीं पाए, उसके पहले फिर दूसरा वर्ड बोलने लगी आप। जैसे मैंने कहा पूछा क्या काजल कैसी हो, अब काजल रिप्लाई दे कि हाँ मैं ठीक हूँ, उससे पहले हाँ ठीक है जी तुम ठीक होगी, और आगे आप वर्ड बोलने लगे, इस चीज को थोड़ा सा बचाइए, ठीक है काजल। कंपोनेंट्स याद रखिए, कंपोनेंट्स अगर ध्यान में रख करके अगर टीचिंग करेंगी तो अच्छा होगा, इफेक्टिव होगा, चीजें बढ़ेंगी। कंपोनेंट्स ध्यान नहीं रख रही है इस वजह से थोड़ा सा गड़बड़। तो नेक्स्ट दिन जब कल आप करिएगा तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे पहला काम आप कंपोनेंट्स को पढ़िए, एक बार दो बार चार बार कंपोनेंट्स पढ़िए, उसके बाद आप जो टीचिंग पढ़ाएंगे उसको प्रैक्टिस कर दीजिए, एक बार कम से कम प्रैक्टिस, दो बार प्रैक्टिस करके उतरिए, देखिए अपने आप इम्प्रूव दिखाई देगा, अच्छा होगा, एकदम कन्फर्म अच्छा होगा, ये हमको जहाँ तक पता है, ठीक है। नेक्स्ट रितिका चलिए। सर इसमें बैक कैमरा कैसे यूज किया जाता है? बैक कैमरे को अपने तरफ से कैमरा कर लो, कैमरा ऑन कर दो, एकदम आराम से हो जाएगा, जैसे हम लोग यूज कर रहे हैं, उसमें सेल्फी वाला मोड नहीं होता, ऐसे ही चलेगा, उल्टा नहीं सीधा ही आएगा। ओके सर।
ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, ऑप्शन नहीं आ रहा है इसमें। क्या दिखाई दे रही हो हम लोगों को, करना क्या है? अब दिखाई दे रहा है? सो टुडे यस सर। ठीक ठीक चलिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक मिनट रुक जाइए पहले। आई एम रितिका। रितिका सरिता सर। यस सर। टाइमिंग और फीडबैक दोनों चीज नोट करिएगा। ओके सर। ठीक है चलिए स्टार्ट रितिका। ओके सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो आई एम रितिका योर क्लास टीचर एंड टुडे आई एम गोना टीच यू नाउन। ओके एक्चुअली फर्स्ट आई वुड लाइक टू राइट हियर सब्जेक्ट। आज हम लोग इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। ओके और कोई मुझे बता सकता है कि आज का डेट क्या है? 9, 10, 20। ओके चलिए आज मैं आप लोगों को नाउन पढ़ाने से पहले आप लोगों से कुछ पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों को पता है कि नाउन का डेफिनेशन क्या होता है? डू एनी वन नो वट इज द मीनिंग ऑफ नाउन? Anyone? Who will tell me? Akansha? Kajal? No one. Okay. I will explain you. Okay. So first I will explain the simple meaning of noun. Means if I will tell you the meaning of noun. Noun ka matlab kya hota hai? Aap logo ko pata hai? Hindi mein? संज्ञा होता है। ओके सो फर्स्ट आई विल टीच यू द डेफिनेशन। मीन्स फर्स्ट आई विल लाइक टू राइट हियर द डेफिनेशन ऑफ नाउन। अ नाउन इज द नेम ऑफ नेमिंग वर्ड। ओके नेमिंग वर्ड, दिस इज द सिंपल डेफिनेशन। बट इफ आई विल एक्सप्लेन यू द बिग वन, then I would like to say a noun is the name of a person, animal, place, a thing, feeling or idea. मतलब कि अगर हम लोग noun के बारे में describe करते हैं तो उसका मतलब होता है कि किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, विचार या भाव के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? Noun कहते हैं। Okay? If अब हम लोग पढ़ते हैं kinds of noun। ये definition सबको clear हो गया है? अगर इसमें भी किसी को डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है चलिए अब मैं आपको काइंड्स ऑफ नाउन बताती हूँ, काइंड्स ऑफ द नाउन। चलिए ये तो बहुत ही इजी है, काइंड्स ऑफ नाउन आप लोगों को पता ही होगा। कोई मुझे बता सकते हैं काइंड्स ऑफ नाउन? मैम मुझे नहीं पता। ओके आई विल एक्सप्लेन यू। फर्स्ट थिंग प्रॉपर नाउन। ओके प्रॉपर नाउन इसका मतलब होता है हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इज इट विजिबल टू एवरीवन? यस 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 मैम। ओके प्रॉपर नाउन ये क्लियर है। किन होता है कॉमन नाउन? इसका हिंदी अगर हम लोग जाने तो इसे हम लोग कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। ओके सेकंड ओ सॉरी थर्ड वन कलेक्टिव नाउन। बट मैं बट यस टेल मी एनी कंफ्यूजन? समूहवाचक कलेक्टिव नाउन की हिंदी क्या होती है? समूहवाचक संज्ञा। But ma'am, how can we define proper noun? Okay, I will tell you, but let me clear this one. Okay? Okay, I will tell you one by one. Okay, ma'am. Third one, okay. Now the fourth one, material noun. इसे हम लोग कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। Okay, now the fifth one,
abstract noun. Okay? Abstract noun. भाववाचक संज्ञा. ये तो हम लोगों की काइंड्स हो गई. अब आप लोगों को एक चीज पता है कि जिस प्रकार से, जिस तरीके से हर नाउन का डेफिनेशन होता है, उसी तरह प्रॉपर नाउन का भी होता है. जैसे कि एक ने मुझसे पूछा कि प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन क्या होता है. ओके, आई विल टेल यू द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर नाउन. अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग. ठीक है, हम लोग किसी भी स्पेसिफिक पर्सन के नाम को, एनिमल्स के नाम को, प्लेस के नाम को और कोई वस्तु को या थिंग के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कैमरा जब लिट नहीं रहे तो कैमरा अपने साइड करके तो बोल दो. ओके सर, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन, अ प्रॉपर नाउन is the name of particular person. Particular means खास. Okay, मतलब कि कोई specific name होनी चाहिए उन लोगों की. Place और thing. क्या आप मुझे example तो बता ही सकते हो आप लोग? मैंने इतना तो बता दिया, आप लोग example बताइए. Who will tell me the example? I will give something. Yes, ma'am. Like Ram, Shyam, Mohan, Sohan, Delhi. Oh, wow. Very nice. Very good. Ram, Shyam, Geeta. और कोई thing के बारे में आप बता सकते हैं? कोई things के कोई भी name? ये सब तो name हो गए. Do anyone tell me? Only the one student is telling. I think no one is interested in my class. Tell everyone. Neetu, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है तो आप फिर से मुझे बोल सकती है, मैं आप लोगों को समझाऊंगी फिर से. नहीं आ रही है. Okay, कोई बात नहीं. ठीक है, मैं ये आगे मैं कल आप लोगों को डिफाइन कीजिए ना बेटा. यस, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बोल रही हूँ. अगर मैं इंग्लिश को हिंदी में समझाऊंगी तो फिर आप लोग इंग्लिश कैसे सीखोगे? थोड़ा मोड़ा तो फिर ये चलता ही है ना. ठीक है, आप लोगों का यही रहेगा कि नाउन और उसके काइंड्स आप लोग को लर्न करना है. मैं नेक्स्ट डे आप लोगों को प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट ये सारी चीजें मैं आप लोगों को कल पढ़ाऊंगी. ओके, थैंक यू. सरिता टाइम बताए. अब रितिका वीडियो ऑन करके रखें और सरिता टाइमिंग बताएं. सर 7 मिनट आई थी. 7 मिनट और फीडबैक. और फीडबैक ऑलमोस्ट अच्छा था सर, लेकिन वो हाव हाव तो पता ही नहीं चला. मींस मतलब वो राइट कर रही थी कॉपी में तो हम देख नहीं पाए अच्छे से, और बीच में थोड़ा सा मतलब जो मौन बोलते हैं थोड़ा स्पेस लेके बोलना, वो स्पीड ज्यादा थी मतलब. हाँ, स्पीड थोड़ी ज्यादा थी. और कुछ? वो रितिका को देख नहीं पाए ना तो मूवमेंट नहीं पता चला. वो राइट कर रही थी ना हैंड से, तो मतलब तो कैसे कह सकते हैं इसका मतलब, तो टीचिंग फेल हो गया. फेल नहीं कह सकते बट वो प्रॉब्लम है कुछ तो. हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं. प्रॉब्लम ये रहा कि इनके पास बोर्ड नहीं था, क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है कि जो क्लास होता है क्लासरूम का एक एनवायरमेंट अलग होता है, और ये कहते हैं कि भाई यहाँ क्लासरूम नहीं है, हम लोग आभासी क्लासरूम बोलते हैं इसको हिंदी में, जिसको हम लोग ई लर्निंग के द्वारा हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. तो यहाँ पे थोड़ा सा ये रितिका प्रॉब्लम रहा है कि कुछ अगर रहता या आपके पास ऑनलाइन क्लास में. सर हम लोग, सर मेरे स्कूल में ऑनलाइन क्लास में इसी तरह ही पढ़ाया जाता है, तो मैं हम ज्यादातर ब्लैक बोर्ड यूज नहीं किए. तो
जो रोलर बोर्ड है या रोलर बोर्ड यूज कीजिए, अगर नहीं है तो क्या एक और उपाय हो सकता है, आप मार्केट से क्या खरीदिए कि चार्ट पेपर ले लीजिए, चार्ट पेपर को दीवार पे चिपका दीजिए, मतलब हल्का सा पिनअप कर दीजिए, आप पिनअप करके उस पर भी लिख करके पढ़ा सकते हैं, ये ज्यादा इफेक्टिव तरीका हो सकता है। अपेक्षा करें किसके, जो आप कॉपी पे लिख रहे हैं, कॉपी पे बहुत अच्छे से नहीं दिखाई देता है, लेकिन अगर आप सामने रखिएगा, कैमरा सही से सेट करिए, तो वो ज्यादा चीजें दिखाई देंगी बच्चों को, तो ये एक तरीका हो सकता है। दूसरी बात, आपने बोलते बोलते एक वर्ड बोला था, एक ने मुझसे पूछा, एक वर्ड आपने बोला था, क्योंकि सरिता ने आपसे क्वेश्चन पूछा था शायद, तो आपने पूछा था किसका था जो काइंड सा नाउन पूछे, तो उनमें आपने फर्स्ट जब बताने लगी तो ये वर्ड आपने यूज किया था, तो ये नहीं बोलना एक ने मुझसे पूछा, बल्कि एक व्यक्ति ने या एक स्टूडेंट ने मुझसे ये वर्ड पूछा, क्योंकि देखिए यही भाषा है, यही भाषा आपको प्यार भी दे सकता है और यही भाषा आपको जूते भी दे सकता है। ये वर्ड हम लोग गाँव में खासकर ये यूज करते हैं कि इसी लैंग्वेज की वजह से हमको प्यार भी मिलता है, इसी के लैंग्वेज की वजह से हमको गुस्सा भी मिलता है, तो खासकर हम छोटे बच्चों की बात करते हैं, उन बच्चों को तो ये लैंग्वेज हमारी ऐसी वर्ड नहीं निकले जिससे बच्चा क्या हो, आघातित हो, या बच्चे के हृदय पर वो घात पहुंचे, लगे उसको कि ये मैडम तो हमको नहीं मानती है। अक्सर ये बच्चों की होती है, ये वाली मैडम ना उसको बहुत ज्यादा लव करती है और मुझे नहीं करती है, तो ये वर्ड नहीं हो, ऐसी चीजों से हमको क्या करना है, बचना है। एक चीज को उन्होंने आंसर दिया था तो आपने एक साथ तीन चार फीडबैक उनको दिया, वाओ, वेरी नाइस, वेरी गुड, एक मतलब एक आंसर मिला तो इतना चीज आप एक साथ एक ही को दे देंगी, बाकी के लिए क्या बचा के रखनी है बताइए, बाकी अगर बस दो ही वर्ड बचे, और एक्सीलेंट और वेरी गुड में कितना अंतर है, एक्सीलेंट और वेरी गुड में सर, सर वेरी गुड मतलब कि एक्सीलेंट से थोड़ा कम और एक्सीलेंट मतलब बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन। तो आप सिर्फ एक बचा है, बाकी एक ही बच्चे को दे दिया, मतलब क्लास के जितने बच्चे थे बाकी को आपने छोड़ दिया, तो ये कोशिश करना, जैसे आपने वाव बोल दिया, ठीक है वाव मतलब हो गया बस भाई, उसको जितना मिलना था, नहीं वो सर पे चढ़ जाएगा। अक्सर बच्चों के होता ना, एक बच्चे को जैसे घर में होता है, अगर मम्मी ने या पापा ने किसी को कुछ ज्यादा दे दिया तो वो क्या होता है, वो सब चला है, मम्मी तो मेरी सुनती है तुम्हारी नहीं सुनती है, वैसे टीचर जो स्टूडेंट है उसके मन में ऐसे विचार आ सकते हैं, तो ऐसी चीजों को हमको क्या करना होता है, बचना होता है। एक चीज दे दिया आपने, वाव दे दिया, नाइस दे दिया, या वेरी गुड दे दिया, एक दे दिया ठीक है, उतना ही उसके लिए जरूरी है, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा देंगे तो अगले दिन क्या करेगा, या तो करेगा नहीं, या तो आपके मन में भी ऐसी हो जाएगा ये बच्चा तो बहुत अच्छा है। हम लोग के मन में एक भावना होती है जो कहीं ना कहीं जो इमोशंस होते हैं उससे जुड़ जाते हैं, तो ये चीज को हमको ध्यान रखना टीचिंग में। फिर उसके बाद स्पीड पे थोड़ा कंट्रोल हो, आपने बहुत ज्यादा पढ़ाया लेकिन स्पीड आपकी कम नहीं रही, तो थोड़ा सा यहाँ पर बैरियर की आवश्यकता है, थोड़ा सा स्पीड कम करिए, और वो कम जब आप करेंगे तो आपका जो लैंग्वेज का उतार चढ़ाव है, ये कहिए जो स्वर का उतार चढ़ाव, वो बढ़ जाएगा। जब हम स्पीड पकड़े रहते हैं तो देखते हैं, जैसे ब्रेकर आता है तो ब्रेकर पे एक है कि हम तेज गाड़ी से चल रहे हैं तो एक बार में पास हो जाएगा, बस एक बार झटका लगेगा, उतार चढ़ाव नहीं समझे, लेकिन उसी गाड़ी को स्कूटी कोई चला रही है आप लोग या किसी का, जब ब्रेकर है तो ब्रेकर पे आराम से आप चलिए, देखिए आप तीन चार पांच बार कम से कम क्या करेंगे, उस ब्रेकर का इंजॉय भी करेंगे और आपको गाड़ी चलाने में मतलब है कि आप संभाल करके उसको निकाल पाएंगे। ऐसे टीचिंग में इस चीज को ध्यान रखना होता है, जहां लैंग्वेज की जैसी आवश्यकता है उसमें उतार चढ़ाव बहुत ही जरूरी है। मौन की बात कही गई थी, आपने कंपोनेंट्स भी ध्यान नहीं दिए थे, तो कल हम आशा करते हैं आपसे कि कंपोनेंट्स आपको ग्रुप में चला जाएगा, पहले ही सब लोगों को चला जाता है रोज का रोज, पहले भी लिखा दिया गया है, तो कंपोनेंट्स को ध्यान में रख करके टीच करिए, देखिए कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है रितिका? ओके सर, थैंक यू सर। ऑलवुच काफी अच्छा रहा है, मतलब बिना तैयारी के बिना चीजों को फिर भी आपने काफी अच्छा किया है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कोई, बाकी तो सब लोग हो चुके हैं आज। कौन दोबारा, नीतू का नंबर था दोबारा वाले में, नीतू सर अब नहीं करेंगे सर, रहने दीजिए सर। नहीं ना ना ना, ये हो ही नहीं सकता है। रीटीच का मतलब रीटीचिंग, रीटीच का मतलब ही होता है रीटीच, दोबारा करना है। अगर रीप्लान कह दिया गया तो मतलब दूसरे दोबारा फिर से बनाना है। चलिए आइए,
गलती सही अच्छा बुरा सबसे होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, सब लोग करते हैं इन चीजों को। समय अभी तो सीखने का समय है, जब पढ़ाने चले जाओगे तब थोड़ी ना सीखने के लिए ज्यादा मिलेगा, तब तो वहां गलती होगी, उसको सीखना नहीं बोलते हैं। हेलो, हाँ चलिए आइए। हेलो, हाँ बोलिए नीतू। गुड मॉर्निंग बच्चों, सॉरी सर, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैम ठीक है। वहां पे बोलते रहो बेटा, जो भी ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हो ये थोड़ा सा बोलते रहा करिए। ओके बच्चों, क्या आप लोग बता सकते हैं कि किसकी तस्वीर है? कोई भी बता दो भाई, कोई नहीं बताएगा। मैं कबीरदास। कबीरदास जी की, बिल्कुल। तो हम लोग कबीरदास जी के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आप लोगों से कोई बता सकते हैं कबीर दास जी का ऐसा दोहा जो आप लोगों ने कभी सुना हो? यस मैम। जी बताइए। आछे दिन पाछे गए हरी से किया नहेत, अब पछताए होत क्या चिड़िया चुग गई खेत। अच्छा, बहुत अच्छा। और आज हम लोग बहुत सारे दोहाओं के बारे में जानेंगे, जैसे कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आप हूँ शीतल हो। अर्थात इस दोहे के द्वारा कबीर जी हमें यह बताना चाहते हैं कि हमें हमेशा दूसरों से अच्छी बानी बोलना चाहिए, अच्छे अच्छे तरीके से बोलना चाहिए, अच्छे से बोलना चाहिए। वाणी, वाणी का मतलब होता है वाणी, वाणी का मतलब होता है भाषा, भाषा। अर्थात हमेशा हमें दूसरों से अच्छे से बोलना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए कि वो हमारी बातों से पूरी तरह से प्रभावित हो जाए और जिसे सुनकर उस आदमी को अच्छा लगे और हमें भी अच्छा लगे। और ऐसे हमें आपा, मन का आपा, आपा का मतलब होता है हमें अपने सारे घमंड को, अहंकार को, अहंकार को भूलकर किसी से भी अच्छे से हमें बात करना चाहिए, करना चाहिए। अगली दुहाए कबीरदास जी की, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अर्थात इस दोहे में कबीरदास जी हमें यह बताना चाहते हैं कि बड़े होने से कुछ नहीं होता है, अर्थात अगर हम हमारी ऊंचाई बढ़ जाए, लंबाई बढ़ जाए, उससे कुछ नहीं होता है। बड़ा हम कब होते हैं, किस कार्य को करके हम बड़ा हो सकते हैं, कोई बता सकता है? अच्छे कामों को मैम। जी बिल्कुल, अच्छे कामों को करके हम बड़े हो सकते हैं। अच्छे काम करेंगे तो लोग हमारे अच्छे कामों को ही याद रखेंगे, ना कि हमें याद रखेंगे।
इसीलिए जैसे कि अगर हम पेड़ खजूर के पेड़ की तरह लंबे हो गए, लेकिन क्या उस फायदा अगर हम किसी के काम नहीं आ सके, तो क्या फायदा? खजूर का भी पेड़ बहुत लंबा होता है, लेकिन क्या उसके नीचे कोई आकर आराम करता है? नहीं करता है। जैसे पंछी को छाया नहीं, पंछी मतलब रागी, रागी, और उसके फल भी इतने ऊंचे होते हैं कि कोई तोड़ नहीं सकता है। इसीलिए बड़ा हमें अच्छे कामों से होना चाहिए, ना कि ऊंचाई और लंबाई से होना चाहिए। तो हमेशा हमें अच्छे काम करना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, जिससे कि लोग हमारे हमें अच्छे कामों के लिए ही जाने। तो बच्चों आज हम लोगों ने कबीर दास जी की बहुत सी महत्वपूर्ण दोहे के बारे में जाना, जिसे हम अपना कर अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, महत्वपूर्ण बना सकते हैं। और कल हम और कबीर दास जी के दोहे के बारे में जानेंगे। आज बस इतना ही, धन्यवाद। सर हो गया, टाइम कितना हुआ भाई, कोई देखा है? सर 5 मिनट हुआ। 5 मिनट हुआ, कारण समझ रहे हैं? थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में कमी था नीतू, जो एक्सप्लेन कर रहे हो ना, नहीं पिछले बार से अच्छा रहा है, लेकिन एक्सप्लेन थोड़ा सा कमी। जैसे पंछी माने ना राहगीर नहीं होता है, पंछी माने पक्षी होता है सर। पंछी मीन्स, हाँ सर, पंछी होता है सर। हाँ, और यहाँ पे इस दोहे के अंदर जो पक्षी का अर्थ लिया गया है वो लिया गया है राहगीर। एक राहगीर से इसकी तुलना की गई है, कहा गया कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। तो यहाँ जो पेड़ है खजूर के पेड़ कहा गया कि एक जैसे व्यक्ति है, उस व्यक्ति की तुलना पेड़ के खजूर से, खजूर के पेड़ से, कि खजूर का पेड़ होता है वो तो बहुत लंबा होता है, बड़ा होता है, लेकिन वो छायादार नहीं होता है। एक छोटे से जैसे आम का पेड़ लीजिए, अमरूद का पेड़ लीजिए, किसी भी पेड़ को लीजिए, उस पेड़ में क्या होता है, उसमें आदत होती है या उसकी यह प्रकृति है कि वो छाया देने का काम करता है, लेकिन खजूर का जो पेड़ है वो छाया नहीं देता है। तो वही बात कर रहा है कि अगर आप बड़े इंसान बन गए तो क्या होगा, लेकिन अगर आपकी जो प्रवृत्ति है, आपकी प्रकृति है वो खजूर के पेड़ के जैसी है, तो आप कभी भी जीवन में आगे नहीं, मतलब दूसरे काम नहीं आ सकते। तो उसी की तुलना करते हुए उन्होंने कहा था। तो ये थोड़ा सा जो 5 मिनट में आपका खत्म हो गया, अगर आपने थोड़ा सा तुलना कर दिया होता तो ये एकदम मतलब बहुत अच्छे टाइम्स हो जाता। लेकिन पिछले बार से मतलब जो आपको टीचिंग किया था, इस टीचिंग में काफी चीजें मतलब पॉजिटिव रही हैं, मिनिमम तो हम कह नहीं सकते, मतलब काफी पॉजिटिव रहा है, उतार चढ़ाव भी रहा है, मौन विराम कोई नहीं दे रहा है। मौन हर समय करें, थोड़ा सा मौन कर जाइए, लेकिन मौन कोई नहीं रहा है। बाकी चीजें तो पहले से अच्छी रही हैं, तो उस पर बहुत कुछ नहीं कहेंगे। और कोई अपने से खुद से देना चाहता है तो कुछ चीजों को बताएं। मनोरमा है, कौन लिख रहा था इनको? कोई नहीं लिख रहा था भाई इनका फीडबैक? काजल बोलना चाहती, हाँ काजल बोलिए। वही कह रहे हैं, पहले से बहुत अच्छा रहा है, तो कहेंगे भाई गुड। चलिए अच्छा, ये बताइए कि अब कोई प्रॉब्लम ऐसा, अगर कोई दोबारा से फिर से करना चाहता है इसी का तैयार हो तो प्रैक्टिस, बोलिए। एक एक लोग का नाम लेके बोलना पड़ेगा। नो सर। अच्छा चलिए, मनोरमा कल कौन सा टॉपिक है भाई, कल का याद है आप लोगों को, कल क्या पढ़ना है? नो सर। प्रॉब्लम क्वेश्चन क्या है सर? प्रॉब्लम क्वेश्चन है क्या है? कल का शेड्यूल याद है भाई, पहले ये बताओ, इसलिए तो पूछ रहे हैं, कल का शेड्यूल याद है कि नहीं? ब्लैक बोर्ड यूज करके? जी सर, कल ब्लैक बोर्ड का है।
हाँ तो ब्लैक बोर्ड तो सभी के पास होना चाहिए, पहले तो ध्यान ये रखना है। ब्लैक बोर्ड हाँ तो ब्लैक बोर्ड सभी के पास रहेगा, सभी लोग ध्यान रखें। जिनके पास वाइट बोर्ड है तो उनके पास तो मार्कर ही है, और जिनके पास ब्लैक वाला ब्लैक रोलिंग बोर्ड है अगर उनको कहीं से संभव हो तो वो कलर चौक जरूर ले लेंगे, संभव हो तो अगल बगल कहीं मार्केट में मिल जाए तो, नहीं मिल रहा तो उसके लिए पर्स कलर चौक वही ना लिखा जाता है भाई उससे। व्हाइट चौक है ना, तो व्हाइट चौक के साथ साथ कलर चौक भी यूज किया जाता है। तो ब्लैक बोर्ड स्किल में कल आप लोग देख लीजिएगा पहले आप इसके कंपोनेंट्स को कि क्या क्या कंपोनेंट्स हैं इसके, नहीं रहेगा तो मैं भेज देता हूँ आप लोग को, पहले ही भेज दूंगा। आप एक बार कंपोनेंट्स को पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या कंपोनेंट्स कह रहा है, क्या चीज़ करने है, कितने एंगल पे हमको खड़ा होना है, कैसे हम इस चीज़ को करें, और इसमें प्रैक्टिस ही सबसे बड़ी बात होती है। तो ध्यान रहे, कल देखते हैं निश्चित समय में, सब लोग प्लान बना के भेज देना सर, सभी लोग। हाँ हाँ प्लान पहले बना करके भेज देना इसमें। सर सुनिए ना सर, हम सीढ़ी में पढ़ाते हैं तो हम 90 डिग्री पर एंगल पर कैसे खड़े होंगे सर? हम 90 डिग्री कहाँ करें, हम तो 45 डिग्री पर आपको खड़ा करा देंगे और खड़े हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। जरूर हमको समझ ही में नहीं आता। आ जाएगा, आप कल खड़े रहिएगा ना, कल बताएंगे इसी पर खड़ा कैसे होना है, कैसे लिखना है, कल इसी की बात होगी, ठीक है? ओके सर। चलिए आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सभी लोग अपना लेसन प्लान बना बना के सेंड कर देंगे। इसका अलग से प्लान बहुत कुछ नहीं होता, जैसे एक्सप्लेनेशन का आप लोग बनाए थे नियर अबाउट वैसे ही होता है। बस यही है कि जो चीज आपको बनाना है, जो चीज बनाएंगे आप उसको याद कर लीजिएगा और उसी को देख मतलब पढ़ करके बोल बोल करके उसको लिखना होता है, वो चीज हम कल आपको बताते रहेंगे, ठीक है? ओके सर। तो आज की मीटिंग ऑफ की जाए, या कोई को किसी को कोई डाउट हो तो कोई पूछ सकता है कुछ भी चीज। कोई डाउट नहीं है? अरे बोल दो भाई, यस नो? नो सर। चलिए ठीक है, फिर नहीं है भाई तो फिर कल मिलते हैं सब लोगों से। ओके बाय सर।